Like a Hellcat. कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ, इसी आशा के साथ मैं जब कोविड संक्रमित हुआ तो अपने आप को जिला चिकित्सालय कोविड 19 चिकित्सा केंद्र में कैद कर लिया और शुरू हुआ मेरा युद्ध कोरोना से। कोरोना से मेरा मल्लयुद्ध शुरू हुआ और जीतने की जज्बा के साथ मैं वहाँ रहने लगा और चिकित्सा और युद्ध दोनों साथ ही साथ चलता रहा। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अजयदान तिर्की में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय जसपुर में मैं केवल अकेला नहीं परंतु मेरे साथ कई साथी थे। हॉस्पिटल में मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही क्यों ऑफिस गया? अच्छा 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 अच्छा, आपको हाँ टेस्ट करते करते आपको भी हो गया? ये निकले तो अंजीरा थी। अच्छा, मेरे लड़का लकड़ा करके लेडीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके संपर्क में आया। अच्छा अच्छा, करीब बात है आपका शुक्रवार को। हाँ, तो अंजीरा शनिवार को टेस्ट करवाई। हाँ, उसका पॉजिटिव निकल गया। हाँ, मेरे को भी फिर शनिवार से मेरे को भी बुखार बुखार टाइप का लगा। हाँ, तो सोमवार को मैं टेस्ट करवाया था, मेरा पॉजिटिव निकल गया। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में फिर यहाँ शिकायत तो भी बहुत अच्छा इलाज चल रहा है सर। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। आप इस कोविड सेंटर में कितने दिन से काम कर रहे हैं? कितने दिन से मेरा पोस्टिंग तभी हुआ है। अच्छा 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 जी, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, यहाँ जितने मरीज आ रहे हैं और जिनको छू भी रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? किसी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लगता है? नहीं, नहीं लगता है डर, क्योंकि हम लोग तो पूरा कवर करके आते हैं ना। हाँ, और अंदर आते हैं तो मरीजों का सेवा करने के लिए आते हैं, तो डरेंगे तो हम कैसे करेंगे किसी का सेवा? तो डर नहीं लगता। बहुत खुशी खुशी सेवा करते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है ना करना, यही काम के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वही काम खुशी खुशी करेंगे। क्या नाम है आपका? छाया बेग। छाया बेग जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, सुबह शाम दोपहर प्रतिदिन इसी तरह से रोज जांच होती रही, शुगर चेक, ब्लड प्रेशर चेक, वो ऑक्सीजन चेक, पल्स चेक और बुखार का चेकिंग, ये तीन चार प्रकार का चेकिंग सुबह से दोपहर और शाम तक चलता रहता था। और फिर डॉक्टर का देख रेख इसके बाद शुरू होता था। दोस्तों, जब हम इस महामारी से थकान महसूस करते थे और अपने को हारने जैसा महसूस करते थे, ऐसे समय में वहाँ की प्रभारी डॉक्टर सुनीता टोप्पो हम लोग के पास आती और खड़े होकर के हम लोगों को कहती, कोरोना तुझे कभी मार नहीं सकता, कोरोना से तुम्हारा जान कभी जा नहीं सकता, आप लोग हिम्मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, खाना खाइए, दवाई खाइए, आराम कीजिए, घूमिए फिरिए और कोरोना से युद्ध करने में हमारी सहायता कीजिए, नियमित दवाई खाइए, समय पर खाइए। जब मैं खाना नहीं खा रहा था तो डॉक्टर अपने हाथों से मुझे बिस्किट खिलाया और उसी दिन से मेरे अंदर खाने की इच्छा पैदा हुई और मैं जबरन खाता रहा, जिससे मेरे शरीर की इम्यूनिटी बनी रही और दवाई भी मैं नियमित खाता रहा, डॉक्टर की सलाह को मानता रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पूरे स्टाफ को जो महामारी जैसे युद्ध में अपना
समर्पण अपने न्यौछावर और समर्पित होकर के मरीजों की सेवा कर रही है। हमारे बॉर्डर के सेना का जो दुश्मन होता है वह दृश्य होता है, वह दिखाई देता है और वे उन्हें मारते, लेकिन डॉक्टर जिस दुश्मन से युद्ध करते हैं वह दुश्मन अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद वो युद्ध में शामिल हैं और युद्ध में जीत लेकर के ही आते हैं, और जीत पक्का है, जीत जज्बा है। इसलिए हमारी हौसला को दिन रात यहाँ के पूरे स्टाफ लगे रहते थे। दोस्तों, कोविड-19 एक खतरनाक महामारी है। यह एक खतरनाक वायरस है जो सबसे पहले आपके अंदर में सर्दी, खांसी और बुखार के रूप में आता है और फिर आगे चल कर के आपके मुंह का स्वाद को खराब कर देता। आपको गंध आना बंद हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाता है, शरीर में भयानक कमजोरी आने लगता है, शुगर बीपी बढ़ने लगता है और आप बेचैन हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि मेरा आगे क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में आप तुरंत हॉस्पिटल में जांच कराएं और एडमिट हो जाएं ताकि आप कोरोना से जीत सकें। अब घर में रह करके कोरोना से नहीं जीत सकते, आप कोरोना से जीतना है तो आपको सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, हाथों को बार बार साबुन से धोना, गर्म पानी पीना, दूरी को बनाए रखना, इत्यादि चीज़ों को आपको ख्याल रखना ही होगा। दोस्तों, महामारी से बचने के लिए अब अपने आप को महामारी अधिनियम के अधीनस्थ कर दीजिए, उनके नियमों को पालन कीजिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, ज़्यादा घर से मत निकलिए, अनावश्यक रूप से मत घूमिए, भीड़ भाड़ में मत रहिए। आपके लिए यही मेरी शिक्षा है इस हॉस्पिटल से, मैं अपने अनुभव के साथ आपको सतर्क कर रहा हूँ। कोरोना हो गया? हाँ, कोरोना हो गया। अच्छा, मेरी बच्ची को भी छोटा था, उसको भी कोरोना हो गया। अच्छा, घर में है। अच्छा, मैं मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं यहाँ आ गया। कोरोना का जो तकलीफ है, हाँ, उसको कैसे महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ पर कोरोना का महसूस यही है कि मुंह का स्वाद एकदम ख़त्म हो जाता है। अच्छा 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 हाँ, माने कोई सब्जी सीठा लगता है, भात भी सीठा लगता है, खाने का कोई इच्छा नहीं करता है। अच्छा, अब कुछ सुधार हो रहा है? हाँ, आज से कुछ मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ की रात से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, आज थोड़ा सा संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट थोड़ा खांसी है तो नहीं बंद रहा है, लेकिन धीरे से वो भी कोरोना हटेगा तो कंट्रोल में आ जाएगा वो भी। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। कैसे लग रहा है बाबा? कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? हाँ। बुखार उखार तो नहीं आ रहा है? हाँ। बुखार नहीं आ रहा है ना? हाँ। बढ़िया खाना उना खाइएगा ना? हाँ। खाना उना बढ़िया खाइएगा? हाँ। हाँ। आपका छुट्टी हो गया? हाँ, मेरा छुट्टी हो गया। हाँ, जा रहा हूँ। आपको कैसे लग रहा है सर? मेरे को भी ठीक लग रहा है, अभी तो ठीक लग रहा है ना। चलिए, अच्छी बात है। बुखार उखार नहीं आ रहा है? बुखार नहीं आया है। मुंह का स्वाद ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया अभी। अच्छा अच्छा, चलिए। आज कितना दिन हुआ सर? हैं, आज कितना दिन हुआ? मेरा आज 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। चलिए, अब सुधार होते चला जाएगा। हाँ, सुधार हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। हम लोग 15 तारीख को आए हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। आपका तो छुट्टी हो गया? हाँ, मेरा छुट्टी हो गया सर। मेरा भी 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए।
अच्छा अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है सब। भूख सब बढ़िया लग रहा है? बुखार नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा थकान वगैरह कुछ नहीं लग रहा? कुछ भी नहीं। अच्छा 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 आपको कितना दिन हो गया? मेरा आज मंगलवार से जोड़ूंगी तो 9 दिन होगा और बुधवार से जोड़ूंगी तो 8 दिन। अच्छा अच्छा तो आप मंगलवार को आए कि बुधवार को? मैं मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती थी एक दिन। अच्छा अच्छा कोरोना वाला रूम में तो बुधवार को लाए मेरे को। बुधवार को लाए? अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ से जोड़ूंगी तो आज 8 दिन हुआ। ठीक तो लग रहा है ना? हाँ ठीक लग रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। भूख वूख सब ठीक लग रहा है? हाँ भूख वूख तो मेरे को बराबर है। क्या लगा यहाँ रखने के बाद? कैसा लगा यहाँ? शुरू तो आई तो मेरे को तकबकी छूटा। अच्छा, दो तीन दिन। हाँ, उसके बाद सबसे आप लोग से सबसे हेल हाँ, मिल हुआ तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। हाँ, सर का चलिए ठीक होकर घर जाइएगा आप भी। हाँ, 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 जल्दी। आपका क्या नाम है सर? एफएम पूजे जी। कब से एडमिशन सर? 15 तारीख से। 15 तारीख से ये हॉस्पिटल में क्या अनुभव रहा सर आपका? हॉस्पिटल में यह अनुभव है कि नर्स लोग ठीक हैं, अपना ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा खाने पीने के संबंध में कमी है। अच्छा 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 अच्छा। हमेशा आलू मिलती है। हाँ, सुबह 12 बजे शाम। हाँ, जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए हानिकारक है। हाँ, और नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अच्छा रहता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए अलग से सब्जी बने। हाँ, तो बेहतर रहता है। तबीयत कैसा है सर आपको भी? मेरा तबीयत ठीक है, स्थिर है। चलिए अच्छा है। इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सही है? सही है, ट्रीटमेंट सही है। हाँ ठीक है सर, हम आपके लिए दुआ करते हैं आप जल्दी अच्छा हो जाएं और अपने काम में वापस जा करके अपने समाज का सेवा करें, यही मेरा दुआ है। मैं कोरोना से जीत चुका था, मेरी छुट्टी हो चुकी थी। मैं अपने दोस्तों से मिलता बातचीत करता हुआ मैं अपने सामान को लेकर के बाहर निकलने लगा अपने घर की ओर, अपने मंजिल की ओर, एक जय के साथ, एक जीत के साथ, एक जज्बा के साथ मैं अपने घर की ओर अपने सारे दोस्तों को नमस्कार और बाय बाय कहते निकल गया। कोरोना हार गया और मैं जीत गया। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी छुट्टी हो गई और मैं कोरोना को हरा करके मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल रहा हूं। मैं यहां के पूरे स्टाफ को और मेरे मरीज स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी देखरेख, मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा संबंध बना कर रखा। और उस स्टाफ को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने बड़ी ही प्यार से कोरोना से लड़ने के लिए हमें सिखाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। यहाँ के पूरे स्टाफ को, डॉक्टर एवं नर्सों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए, उनकी यादों को अपने हृदय में समेट करके मैं घर जाने के लिए निकल पड़ा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। Like a Hellcat.